नमस्कार साथी, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे अपना चैनल दो कदम ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप ईजीपी के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड 2 घंटे में कैसे बना पाएंगे, बनाने का क्या तरीका है, कौन कौन से स्टेप मिलेंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और एक पैन कार्ड बनाने में आपको कितना चार्जेस वगैरह लगेगा, वो सारी की सारी तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आप बीच की कुछ स्टेपों को मिस कर दें और आप आसानी से पैन कार्ड बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए मिस बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंटिन्यू लाइव ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए बीच में स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईजीपी पर अपना अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। अगर आपके पास ईजीपी की आईडी नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो है आप आईडी ले सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आप आईडी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अपनी आईडी ले ली है और यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट भी लॉग इन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम है आशीष कुमार परते और ये है मेरी रिटेलर आईडी। ओके, यहाँ पर मेरे वॉलेट में फिलहाल 298.70 रुपए हैं और मैं इसी के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मेरा नाम वगैरह आ रहा है, हाय आशीष, और यहाँ पर मेरी रिटेलर आईडी दिखाई दे रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है, आईपी एड्रेस वगैरह, और आज की डेट है 2 मई 2023, है ना। अब यहाँ पर हम आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। इसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने मिल जाएगी, जैसे कि आधार एटीएम, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर लाइव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो है पैन कार्ड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है NSDL पैन, तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल एक बैनर चल रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है अब आप पैन कार्ड आसानी से बना पाएंगे नए अवतार में। और बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये कि आप OTP के माध्यम से, मतलब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक, मतलब फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप जो है 2 घंटे में पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 घंटे, मात्र 2 घंटे में पैन कार्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही तरीका हम आज के इसी वीडियो में सीख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोई चार्जेस वगैरह बिल्कुल नहीं, आप आईडी मेरे से फ्री में ले सकते हैं। और अब हर पैन कार्ड में आपको 10 रुपए कमीशन मिलने वाला, मतलब 107 रुपए का पैन कार्ड अप्लाई कर होता है जिसमें आपको 10 रुपए कमीशन मिल जाएगा, मतलब कैशबैक आ जाएगा। और जो प्राइम है उन्हीं को ये कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है प्राइम रिटेलर को, है ना, प्राइम कर लेंगे तो आपको 10 रुपए मिलेगा, नहीं तो आप 102 रुपए में पैन कार्ड बना पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कमीशन मिल रहा है 5-6 रुपए, है ना, इतनी भी बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप नया पैन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप ये वाला चेंजेस पैन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप चेंजेस वगैरह यानी सुधार वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी मिस्टेक है, फादर नेम, अपना नाम, जिस जो भी मिस्टेक है वो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। और जितने भी आपने आवेदन किए हैं उनकी सारी की सारी तमाम लिस्ट आपको यहाँ पर स्टेटस वाले बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितने आवेदन सक्सेसफुली किए हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सक्सेस। और जो भी आवेदन आपने किए हैं और आपने उन्हें सही तरीके से भरे नहीं है वो रिफंड हो जाएगा उसका पूरा का पूरा पैसा। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हम यहाँ पर आवेदन करेंगे लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बीच के कुछ स्टेपों को मिस कर देते हैं ना, फिर बाद में बोलते हैं यार मेरे पैन कार्ड अभी तक नहीं आया, 2 घंटे हो गए और बहुत सारी बातें रहती नेगेटिव, आप तो समझते ही हो ना। तो यहाँ पर हम नया पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, इसलिए हम नए पैन कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, न्यू पैन रिक्वेस्ट। इसके बाद एप्लीकेशन का जो टाइप है ना, नेम, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप किसके लिए पैन कार्ड बना रहे हैं, पहली चीज है ना, तो जैसे कि बॉयज के लिए बना रहे हैं तो मिस्टर या फिर श्री, ये पहला वाला ऑप्शन है। और अगर आप महिलाओं के लिए बना रहे हैं तो श्रीमती या फिर MRS, ये से देख सकते हैं श्रीमती, ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पुरुष के लिए बना रहे हैं तो मिस्टर श्री, और महिला के लिए बना रहे हैं तो श्रीमती वाला, है ना। तो हम यहाँ पर महिला का बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर श्रीमती वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, यहीं पर बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि उनके आधार कार्ड में 3 नाम है, मतलब जैसे कि मेरा नाम है आशीष कुमार परते, तो आशीष आ जाएगा मेरा फर्स्ट नेम में, और मिडिल नेम में आ जाएगा कुमार, और लास्ट नेम में परते मेरा सरनेम।
और बाय द वे किसी के केस में ऐसा होता है कि दो नाम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम है आशीष कुमार या फिर आशीष परती, तो आशीष आ जाएगा मेरा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में मेरा आ जाएगा परती या कुमार जो भी रहेगा। और किसी किसी के आधार कार्ड में ओनली एक ही नाम होता है, जैसे कि आशीष। अब आशीष के आगे तो ना ही सरनेम है ना ही कुछ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर बिल्कुल नहीं लिखना है ये दो कॉलम में फर्स्ट और मिडिल में। आपको क्या करना है, सिंपली आपको लास्ट नेम में लिख देना है यहाँ पर, जैसे कि आशीष है तो आप इसी वाले कॉलम में लिखेंगे या फिर मोहन सोहन जो भी नाम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं महिला का बना रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा नाम है तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा नाम एंटर करेंगे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर जिस कैंडिडेट के लिए आवेदन कर रहा हूँ इनके आधार कार्ड में दसोदा 15 है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में दसोदा लिख दिया और लास्ट नेम में 15 लिख दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ पैन कार्ड, तो यहाँ पर आप चाहते हैं फिजिकल, फिजिकल का मतलब ये है कि बाय पोस्ट कस्टमर के घर पर भी आएगा और ईमेल पर भी आएगा, तो इसलिए आप फिजिकल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। और दूसरा ऑप्शन है डिजिटल ई पैन, मतलब ये वाला ओनली मेल में बस आएगा, बाय पोस्ट घर कस्टमर के नहीं आएगा, इसलिए आप ये वाला ऑप्शन को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। ओके, फिजिकल सिलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जेंडर, तो जेंडर में आप मेल या फीमेल किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ पर महिला के लिए कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस वाले ईमेल आईडी पर आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं, वो वाला ईमेल आईडी 2 घंटे में जो आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं ना, वो वाला ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी एंटर करूंगा, यहाँ पर मैंने जो है सारी की सारी डिटेल एंटर कर दी, ईमेल आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और महिला के लिए बना रहा हूँ तो फीमेल, और महिला का नाम यहाँ पर एंटर कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दसोदा 15। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट रिक्वेस्ट वाला एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ समय इंतजार करना है जब तक एक नया पेज ना ओपन हो जाए जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली जो है ई पैन के लिए हम रेडी हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई के वाई सी पैन न्यू, मतलब ई के वाई सी के लिए हम यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये दो कॉलम को बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है जिस भी कस्टमर का आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने जो है आधार नंबर को एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में आ जाना है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनके आधार कार्ड में वो वाला डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, बस आपको आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, बस इतना सा काम। इसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सिंपली टिक कर देना है, और इसके बाद सीधे ही आपको सबमिट वाला बटन है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पर, मतलब अगले चरण पर, जहां पर आपको कैंडिडेट की कुछ डिटेल एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल दी गई है, जैसे कि पहले स्टेप में एप्लीकेशन के स्टेटस, एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगी, दूसरे में पेरेंट्स की डिटेल और तीसरे में आ जाएगी अदर डिटेल, फिर ईओ कोड और डॉक्यूमेंट की डिटेल वगैरह, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। ओके, यहाँ पर ना ही आपको आधार नंबर वगैरह एंटर करना है, ना ही आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातों को समझना है, यहाँ पर आपको कह रहा है अगर उनके फादर नहीं और आप चाहते हैं कि पैन कार्ड में ओनली मम्मी का नाम आए, मतलब मदर्स का नाम ओनली, तो यस कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मम्मी का नाम ना आए पैन कार्ड में, ओनली पापा का नाम आए, तो आप नो करिए। और यहाँ पर मैनुअली जो है आप अपने फादर्स और मदर का नाम, यहाँ पर फादर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी की सारी चीजें है ना, री एंटर में फिर से फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसके बाद मम्मी का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसके बाद री एंटर, मतलब दोबारा से वही नाम, मम्मी का भी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। इसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है कि पैन कार्ड में किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फादर ही सिलेक्ट करिए। ओके, इसके बाद फादर का जो भी नाम आप प्रिंटेड कराना चाहते हैं पैन कार्ड में, तो वो नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं फादर का नाम, जिस कस्टमर को मैं आवेदन कर रहा हूँ उसके फादर का नाम सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मांगी जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि आप पैन कार्ड को फिजिकल भी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं तो यस पर टिक करिए, मतलब बाय पोस्ट कस्टमर के घर पर भी आ जाएगा ओरिजिनल वाला और आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा। आप नहीं लेना चाहते तो नो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेना चाहूंगा, मतलब कस्टमर के बाय पोस्ट एड्रेस पर पहुंचाना चाहूंगा ताकि उन्हें ओरिजिनल भी मिल जाए।
इसके बाद यहाँ पर इनकम सोर्स में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नो इनकम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी उनका मोबाइल नंबर है। ओके, इसके बाद जो भी ईमेल आईडी उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। ओके, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ टाइप, ये सारी की सारी रेंज कोड वगैरह आपको यहाँ पर मांगा जाता है, तो आपको ये कोड बिल्कुल भरना है कंपलसरी। लेकिन आपको ये नंबर यानी कोड पता ही नहीं है तो आपको क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करना है, इंडियन सिटीजन। अगर आप बाहर कंट्री से हैं, अगर आप फॉरेन वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो सिर्फ इंडियन सिटीजन। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, राज्य है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा मध्य प्रदेश है, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुरैना से हैं या फिर इंदौर से हैं, तो जो भी, तो मैं जो भी इनका है जिस कस्टमर के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, उनका एरिया को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप जैसे ही आप उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको एओ टाइप, रेंज कोड वगैरह, ये सारी की सारी, या एडी कोड जो है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो सारा का सारा कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देखना, क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है कोड जनरेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कोड है उनके जिले का। ओके, इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, प्लेस का नाम जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ओके, अब आपको एक बार रिव्यू करके देख लेना है कि सारी की सारी जो डिटेल हमने फिल करी है कस्टमर की, वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, तो वो सारी की सारी जानकारी आप देख लीजिए। इसके बाद आपको कंफर्म वाला एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ओटीपी बेस केवाईसी और दूसरा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब ये कि फिंगर के माध्यम से, ये है ओटीपी के माध्यम से। अगर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओटीपी के माध्यम से करने वाला हूं, इसलिए मैं ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी वाले ऑप्शन में क्लिक किया। इसके बाद उनके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उसे आपको यहां पर एंटर करना है। ओके, मैंने यहां पर ओटीपी एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। बाय द वे, ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवाईसी बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। ओके ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ना ही आपको नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी, सिंपली आपको इसी में दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पर आपको सिंपली टिक करना है और यहाँ पर यूजर का जो भी आधार नंबर, जिसका पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब उनके नंबर में पुनः ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके, ओटीपी के बाद आपको चेक कर लेना है, सिंपली आपको इस वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ओटीपी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ समय इंतजार करना है जब तक ये वेरीफाई ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई सिंह जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल तरीके से केवाईसी कंप्लीट हो गई और मेरे वॉलेट से जो है पैसे भी डिडक्ट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 रुपये जो है डिडक्ट हो गए और बाकी का हमारा कमीशन रहा 107 रुपये में अप्लाई होता है, तो वो हमारा 102 में ही काम हो गया। ओके, इसके बाद आपका आवेदन जो है फाइनल तरीके से सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको इसकी रसीद आपके ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ था ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। कैसे ईमेल आईडी पर रसीद होती, चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ईमेल पर रसीद वगैरह सारी की सारी चीजें आ गई, जिसका मैं अभी आवेदन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/15 का ही मैंने आवेदन किया था, आपको दिखा दूं, NSDL। और यहाँ पर आप देखेंगे जिसका मैं अभी आवेदन किया है, ये देखिए 10/14 का आवेदन किया है, तो 10/14 का अभी जो है मेरे ईमेल पर इंस्टेंट जो है मेल आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट आ गई है NSDL की। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSDL के माध्यम से मैंने आवेदन किया हुआ था और यहाँ पर उनकी सारी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ PDF वगैरह, चलिए इसे आपको ईसिंग वाला आपको वो PDF भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पासवर्ड होता है उनका डेट ऑफ बर्थ रहता है 01011983, इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके,
मैंने यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट की सारी डिटेल जो फॉर्म में फिल होती है वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टर्म एंड कंडीशन के कारण जो है मैंने यहाँ पर ब्लर रखा हुआ है, ओके। और रसीद आपको दिखा दो एनएसडीएल की, जैसे एनएसडीएल की रसीद कटती वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ भी पासवर्ड प्रोटेक्ट है 010183, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसीद भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो भी ईमेल आईडी था, जो भी मोबाइल नंबर था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल गया और मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी कुछ चीजें यहाँ पर बिलर हैं, इसलिए ताकि टर्म एंड कंडीशन की वजह से कस्टमर की प्राइवेसी जानकारी आप तक मैं साझा बिल्कुल नहीं कर सकता। अब बात रही पैन कार्ड आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको ईमेल में ही मिलेगा, लेकिन 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। 2 घंटे वेट करने के बाद ही आपको आपके इसी वाले ईमेल जो भी आपने डाला होगा उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें भी पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, सीधे ही उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करके जो है ओपन कर लेना है, ओके। इस तरीके से आप जो है इजी पे के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल दो कदम ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमेशा की तरह ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यूं ही मिलती रहेगी। सभी को नमस्कार।